hello assalamu alaikum and, and a very good morning to you all so we are discussing atomic structure and we have almost completed the chapter i think we have left only with photoelectric effect as far as i can recognize i photoelectric, photoelectric effect is the only topic uh, i haven't discussed with you so if you found something we haven't discussed in the chapter please do inform me ऑन वाट्सअप और कॉल मी डायरेक्टली सो टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें किस बारे में बताता है हमें वेव नेचर के बारे में बताता है जैसे पार्टिकल नेचर था वेव नेचर था इनके बारे में हमें बताता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले जस्ट डिफिनेशन पढ़ लो 1887 में 1887 में हेनरिच आर हर्ज ने पहली बार फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमें फिनोमिनन को हमें बताया कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है उसके हिसाब से उसने बताया कि जब भी किसी मेटल पे अगर हम कोई रेस इमिट करें तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती हैं ठीक कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती है तो ये मतलब इसका मतलब ये है फोटोन ये लाइट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है लाइट की इफेक्ट या फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो फोटोम लाइट तो लाइट जब किसी मेटल पे पड़ता है तो उस मेटल तो से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल इमिट होती हैं उस लाइट की प्रेजेंस में तब उसको कहा गया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की प्रेजेंस में किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाना उसको हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एटीन एटी सेवन में हेनरिच और हर्ट्स ने पहली बार हमें बताया कि ऐसा होता है अब उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उसने क्या लिया एक वैक्यूम ले लिया वैक्यूम ट्यूब उस वैक्यूम ट्यूब पे उसने एक मेटल रखा एक साइड पे दूसरा मेटल रखा और यहाँ मेटल रखा उसको उसने क्या बोला एक, एक सोर्स से जोड़ दिया बैटरी से ठीक पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स से और यहाँ पर एक एमीटर रखा एमीटर क्या होता है जो मेजर करता है जब भी सर्किट में कुछ फ्लो नहीं हो रहा है तो एम का हमें डायरेक्शन ऐसे मिलता है मतलब ये सर्किट ओपन सर्किट है इसमें कुछ है नहीं तो हमें ये सर्किट डिफ़्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ये हमें एम का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन होगा तो ये बताता है हमें कि इस सर्किट में कुछ नहीं हो रहा अगर इस सर्किट में जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये जो एम है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा बहुत मतलब तो ये हमारे पास सोर्स है बैटरी ये हमारे पास बैटरी है ये हमारे पास कोई मेटल है जब उसने देखा उसने ये देखा कि जब कोई फोटोन या कोई जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो उसने देखा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स इस वैक्यूम में इसमें कोई एयर की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे एयर है ही नहीं है इस ये भी वैक्यूम इसलिए वैक्यूम कहा गया है तो इस वैक्यूम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है और हमारा किस की तरफ पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ इसी डिफ्लेक्शन के कारण उसने कहा कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो गया इसी को उसने कहा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन के लाइट के प्रेजेंस में ऐसा डिफ्लेक्शन शो किया तो उसने कहा ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें किस बारे क्या क्या पता चलता है एक्सपेरिमेंट से हमें चार पॉइंट्स का पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा हो क्या रहा है ये जो जो एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव था वो क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे था ये जो थ्योरी थी हेनरिज आर हर्ट्स की ये थ्योरी बाद में आइंस्टाइन ने आए के इस थ्योरी में थोड़े बहुत मतलब ये थ्योरी फेल हो गई बाद में जाके एक्सेप्टेबल वैल्यू मतलब एक्सेप्टेबल नहीं रही बाद में आइंस्टाइन ने इसमें बहुत मतलब चें कुछ चेंजेस किया तो आइंस्टाइन ने इस फोटो इफेक्ट को हमें सही से समझाया कि क्या होता है तो पहले हैंड्रिज के हैंड्रिज और हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका सबसे पहला उसका जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसको क्या पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट उसने इमिट की वो डायरेक्टली हमें करंट प्रोड्यूस कर रहा था मतलब चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था और इसके बीच में लैक ऑफ टाइम नहीं था मतलब टाइम मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारा जो इंसिडेंट लाइट पड़ते ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था उसका ऑब्जर्वेशन था ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसका ये था सेकेंड ऑब्जर्व सॉरी उसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था कि इंटेंसिटी जो होता है उसने कहा इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली मतलब वो प्रोपोर्शनल होता है करंट की जितना ज़्यादा इंटेंसिटी दोगे उतना करंट निकलेगा या ऐसे कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स सिमिट होगी उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितना इंटेंसिटी उसने उस एक्स मतलब इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट उसने देखा कि जो मेटलिक प्लेट था उसके पास जो मेटलिक प्लेट उसने रखा था जब उसने उस मेटलिक प्लेट पे रेड लाइट इमिट की तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा था रेड लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो रेड लाइट इफेक्ट इंटेंसिटी रेड लाइट की वजह से कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा था मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता इमिट नहीं होता रेड लाइट की इंटेंसिटी लगभग होती है फोर टू फोर स पाइनस फोर्टीन के बराबर इसके बाद इसने क्या क्या इसी रेड लाइट को रख के उसने येलो लाइट इमिट कर दी उस पर जब सॉरी जब सॉरी जब उसने उस चीज पे येलो लाइट इमिट किया तो उसने देखा येलो लाइट की इंटेंसिटी होती है 5.1 टू 5.2 तो उसने देखा कि वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या मतलब वहां से चार्ज फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो इस चीज़ इस जब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है जबकि उसने कहा कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा एनर्जी होगी या उसने कहा कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा लेकिन यहाँ तो जो हमारे पास रेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा येलो लाइट तो यहाँ से यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हो जाता है इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन इफ़ेक्ट्स को समझाने के लिए या इस इफेक्ट को अच्छा इसमें लास्ट फोर्थ पॉइंट है सॉरी फोर्थ पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया फोर्थ पॉइंट इसका फोर्थ पॉइंट है उसने कहा कि जब मेटल प्लेट पे लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगी तो यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको उसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ से यहाँ से इस मेटल से यहाँ ये मेटल है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है उतनी ये ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिकुनसी होती है वो हर मेटल की फ़िक्स फ्रिक्वेंसी होती है फ़िक्स होती है ये वायल हमारा इंसिडेंट लाइट हम चेंज कर सकते हैं वेरी होता है कि हम हाई इंटेंसिटी करें लो इंटेंसिटी करें लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिकुवेंसी होती है वो हर एलिमेंट्स की या हर मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड थ्रेशुल्रिक्वेंसी होती है फॉर इन द केस अगर यहाँ पर हम पोटेशियम मेटल ले रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट तो पोटेशियम की जो थ्रेश फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो माइनस फोर्टीन हर्ट्स इसके बराबर लगभग बर हमारे पास पोटेशियम की फ्रिक्वेंसी होती है ठीक ये होते हैं, ये, ये ये था हमारा हंड्रेड हर्ट्स का एक्सपेरिमेंट और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये चार पॉइंट्स डिस्क्राइब किए और उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी निकलेगी मतलब आप जितना इंटेंसिटी का लाइट दोगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो उतना ज़्यादा होगा इसके बाद इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास कौन आए आइंस्टाइन आए इसके बाद इसी चीज़ को या फो, इसी फोटो इसी फोटोलैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए हमारे पास आए आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया और आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया और जो आइंस्टाइन का जो थ्योरी था वो सीधे डायरेक्टली बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ से ये था कि जो लाइट होती है वो फोटोन्स या पैकेट्स या बंडल्स या ऐसे कहते हैं कि पैकेट्स में होती है जिनको हाँ हैं जिनको हम फोटोन्स कहते हैं फोटॉन्स कहते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या था लाइट पैकेट्स थे लाइट पैकेट पैकेट्स थे तो जब हमने वो जो मेटल मेटल पे जब हमने रेड लाइट ये रेड सॉरी रेड लाइट और मेटल पे हमने येलो लाइट इमिट करके देखा तो रेड लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से या प्लैंक्स के हिसाब से ये था कि जो लाइट होते हैं वो पैकेट्स में होते हैं तो यहाँ पे उसने ये समझाया कि रेड लाइट से हमारा इमिशन क्यों नहीं हो रहा था और येलो से क्यों इमिशन हो रहा था इस कम्पेयर टू जो रेड लाइट होता है वो येलो लाइट हमारा थोड़ा बहुत फेंट होता है मतलब डल टाइप का होता है रेड लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जब यहाँ पे उसने क्या बताया है? कि जो लाइट की बात करते हैं तो हम लाइट को हम पैकेट्स की तरह बिहेव करते हैं लाइट फोटोन्स जैसे फोटोन्स कहते हैं तो ये जो येलो लाइट के एक लाइट की जो पैकेट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये और ये होता है कि जो एक लाइट है मतलब लाइट का जो पैकेट है वो यहाँ जाके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है समझ रहे हो मतलब एक एक फोटोन एक पैकेट लाइट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है तो यहाँ पे जो येलो की जो फ्रिक्वेंसी थी या येलो की इंटेंसिटी वो रेड से ज़्यादा थी इसलिए येलो से हमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था वाइल रेड से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रहा था और यहाँ पे ई e बराबर प्लान्स के हिसाब से ये था कि ई बराबर एच वी एच वी प्लान्स कॉन्स्टेंट वी फ्रीक्वेंसी ये एक बहुत बड़ा इक्वेशन था प्लैंक्स के थ्रू और इसी प्लैंक्स की इक्वेशन को यूज करके हमें आ, हमें आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया ठीक और आइंस्टाइन के हिसाब से और आइंस्टाइन के हिसाब से हर इलेक्ट्रॉन या हर फोटोन की जो एनर्जी है मतलब अगर ये एक फोटोन है उसकी एनर्जी एच वी है ठीक और यहाँ से जो मिनिमम एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एच वी मतलब एच वी नॉट है एच वी नॉट क्या है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट या एमिट इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिकुवेंसी है अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी बराबर होगी या आइंस्टाइन के हिसाब से तो एच वी इज इक्वल टू एच वी नाट प्लस ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी है पैकेट की फ्रिक्वेंसी बराबर होती है हाफ एम स्क्वायर एम वी स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो इसके थ्रू आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुआ आइंस्टाइन और हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके उसके थ्रू हम आइंस्टाइन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही क्या है तो ये था आज का हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होप आप लोगों को समझ में आया हो नहीं तो आज हम हम ऑनलाइन सेशन में फिर से एक बार इसी चीज को डिस्कस करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन सेशन के टाइम पे हमें ये बताएं कि हम लोगों को चैप्टर में या सेलेबस में और कौन सा चीज़ कवर नहीं हुआ है तो वो इन्फॉर्म करें थैंक्स फॉर द टाइम थैंक्स फॉर द सेशन